जबलपुर कांग्रेस के नवनियुक्त ग्रामीण अध्यक्ष डॉक्टर नीलेश जैन ने यहाँ आधारताल में मंच से भाषण के दौरान एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अब कांग्रेस हाथ पांव तोड़ो यात्रा शुरू करेगी। डॉक्टर नीलेश जैन ने अपने भाषण के दौरान कहा कि अभी तक कांग्रेस ने भारत जोड़ने के लिए यात्रा की और लोगों को इकट्ठा किया है, लेकिन अब भी यदि सत्ता पक्ष अपनी मनमानी बंद नहीं करता है तो कांग्रेस हाथ पांव तोड़ो यात्रा शुरू करेगी। डॉक्टर नीलेश जैन का यह बयान मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री लखन खनकोरिया की मौजूदगी में एक प्रदर्शन के दौरान दिया गया। वहीं इस कार्यक्रम में जबलपुर के महापौर जगत बहादुर अन्नू और विधायक विनय सक्सेना भी मौजूद थे। इस बयान के आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति दर्ज करवाई है और डॉक्टर नीलेश जैन के निवास क्षेत्र शाहपुरा थाने में प्रदर्शन किया। बीजेपी के नेता पुलिस से मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर नीलेश जैन के खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए। सारे देश में संविधान को लेकर के निष्ठा बनी हुई है, सारे देश में एकता और अखंडता का भाव है, मगर आज जो है गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर भी कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष, वो एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ये कहते हैं कि कांग्रेस ने बहुत हाथ जोड़ लिए, बहुत हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला लिए, अब कांग्रेस अभियान चलाएगी हाथ पैर तोड़ो का अभियान। मानव जिला ग्रामीण कि कांग्रेस के अध्यक्ष भाई साहब नीलेश जैन जी ने जो अभद्रता की है, जो बोल रहे हैं कि पहले हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, फिर हाथ जोड़ो निकाली और अब जरूरत पड़ेगी तो हाथ पांव तोड़ो यात्रा निकालेंगे, उनके विरोध में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनका विरोध करता है और उनको चेतावनी देने के लिए यहाँ पे थाने में आया है और प्रांगण में आया है कि उनके विरोध में जो उनने गलत बात की उसके लिए FIR दर्ज करें, अन्यथा हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन देंगे।